अस्सलाम वालेकुम। शायद आपने सुना हो टर्मिनोलॉजी ब्लॉग। ब्लॉग की स्पेलिंग है BLOG। ये होती क्या है और इसके आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? ब्लॉग निकला है वर्ड ब्लॉगर से, BLOGGER.com। ब्लॉगर डॉट कॉम एक वेबसाइट कुछ लड़कों ने बनाई काफ़ी सालों पहले, जिसको फिर बाद में गूगल ने ख़रीद लिया। और उस पे लोगों को जो इस्तेमाल करने वाले थे, जो कुछ पे लिखते थे, उसका उन्होंने नाम रखा ब्लॉग। आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉग एक मीडिया का फॉर्म ले चुकी है। जो भी लिखने वाले हैं, ये जिस तरह आर्टिकल लिखने वाले होते थे, जो अखबारों में लिखते थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ब्लॉग पे लिखना शुरू कर दिया। और उन ब्लॉग्स को आप गूगल रीडर के थ्रू या किसी भी RSS रीडर के थ्रू डेली के बेसिस पे आप रोज़ाना, बजाय इसके कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं एक अखबार पढ़ने के, आपका पर्सनलाइज अखबार सुबह आपके ब्राउज़र में खुला हुआ हो सकता है। ब्लॉगर को मैं इस तरह बोलता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग डायरियाँ लिखते थे, तो ऐसी डायरी या ऐसी बात जो आप पर्सनली नहीं सिर्फ बल्कि सारी दुनिया से शेयर कर सकते हो, उसको आप ब्लॉगर पे जाके डाल सकते हैं और कोई भी दुनिया में आदमी फिर उसको पढ़ सकता है। अच्छी बात इसका यह है कि ब्लॉग जितनी आपने लिखी होती हैं वो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन के अंदर चली जाती हैं। तो अगर आपको कोई काम की बात पता है, या अगर आप समझते हैं कि भाई कोई अच्छी तजवीज़ है, या अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी, तो बजाय इसके कि वो सिर्फ अपने तक रखें, आप ब्लॉग पे जाके अपनी लिख सकते हैं उसको, और आप ना सही आपके बाद में आने वाले लोगों में से कोई अगर उसको पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, या अगर कोई सर्च कर रहा है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ब्लॉग आपके सामने आ जाएगी। ब्लॉगर पे अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज बनता है, आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। आप मोबाइल से भी बना सकते हैं, ब्लॉगिंग भी मोबाइल से कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमनली साइट्स यूज़ होती हैं वो blogger.com है, जो कि गूगल की है। दूसरी wordpress.com है, और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। ब्लॉग का अलग एक और नाम फेसबुक ने नोट्स रखा है, और आप वो नोट्स और ब्लॉग एक ही चीज़ होती है। आप उस पे जाके अगेन सेम चीज़ कर सकते हैं जो कि ब्लॉगिंग पे कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग इज़ कैचिंग अप। अखबार वालों को बहुत दिक्कत हो गई है इस चीज़ से, क्योंकि लोग इसके ज़रिए डायरेक्ट जाके न्यूज़ को वर्ड ऑफ माउथ डायरेक्ट उस आदमी से सुनना पसंद करते हैं जो वहाँ रहता है। फ़र्ज़ कीजिए आपको गाज़ा की न्यूज़ चाहिए या आपको फ़लस्तीन की न्यूज़ चाहिए, तो आप ऐसे ब्लॉगर्स को ढूंढ सकते हैं जो कि वाकई गाज़ा में रहते हैं, जो कि इसराइल के अंदर रहते हैं या फ़लस्तीन में रहते हैं। उनकी बात आप डायरेक्ट सुन सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉगिंग करने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अच्छे इनकम भी कमाते हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं किसी चीज़ के, या अगर आप समझते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छी ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ उसके बारे में, तो आप उसके बारे में लिखकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। गूगल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो कुछ आपने ब्लॉग लिखी उसके पर इश्तिहार लगा देता है, और उस इश्तिहार के ज़रिए जो भी लोग उस इश्तिहार को के ज़रिए इनकम होती है गूगल की, वो गूगल आपसे शेयर भी करता है। तो ब्लॉग एक बहुत मज़े की चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा। वेबसाइट है blogger.com।